दोस्तों आखिर बिग बॉस 17 की घर की कंटेस्टेंट जो अंकिता लोखंडे है, दोस्तों आखिर बिग बॉस 17 की घर की कंटेस्टेंट ऐश्वर्या शर्मा जैसे ही घर से बाहर हुई, तो यहां पर घर से बाहर निकलने से पहले उसने अपने पति नील भट्ट को ऐसी कौन सी पावर दी है जिस पावर के बारे में सुनकर शायद आप सब भी बेहद हैरान हो जाएंगे। लेकिन बात करें यहां पर आपको बता दें कि ऐश्वर्या शर्मा के फैंस की, तो वो तो इस पावर के बारे में सुनकर ऐश्वर्या शर्मा की तारीफ भी करना शुरू कर देंगे और आप सब ये कहने लगेंगे कि ऐश्वर्या शर्मा ने जो पावर दी है अपने पति नील भट्ट को घर से बाहर निकलने से पहले, अगर उस पावर का इस्तेमाल नील भट्ट ने कर लिया तो वो ग्रैंड फिनाले में 100% पहुंच जाएगा। लेकिन दोस्तों कौन सी है ये बड़ी पावर, क्या कहा है नील भट्ट की पत्नी ऐश्वर्या शर्मा ने घर से निकलने से पहले, चलिए पूरी पूरी जानकारी देते हैं आपको इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि बिग बॉस 17 से जुड़ी हुई हर लेटेस्ट और नई से नई और बड़ी से बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिग बॉस 17 के घर में इस वक्त सबसे यहां पर दुखी अगर कोई हो चुका है तो वो है नील भट्ट। नील भट्ट यहाँ पर पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं और वो फूट फूट कर रो रहे हैं क्योंकि उनकी पत्नी ऐश्वर्या शर्मा घर से बाहर हो चुकी है। नील भट्ट ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि वो इस घर से बाहर चली जाएगी उसे अकेला छोड़कर। लेकिन आपको बता दें कि घर से बाहर होने से पहले ऐश्वर्या शर्मा सीधे अपने पति नील भट्ट के पास गई और नील भट्ट के पास जाकर ऐश्वर्या शर्मा ने ये कहा कि नील भट्ट मुझे पता है कि तुम यहाँ पर अकेले पड़ गए हो, तुम्हारा यहाँ पर कोई दोस्त नहीं है, मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त थी लेकिन मैं अब घर से बाहर जा रही हूँ। लेकिन नील भट्ट मेरी बात एक याद रखना, तुम्हें अगर ये शो जीतना है तो तुम्हें पॉजिटिव रहना पड़ेगा, तुम्हें पॉजिटिविटी की यहाँ पर पावर अपने पास रखनी होगी और ये पावर मैं तुम्हें देती हूँ, तुम हमेशा पॉजिटिव रहना और यहाँ पर जो कंटेस्टेंट है उनसे यहाँ पर अच्छी तरह से बात तो करना लेकिन तुम शो को जीत कर आना। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वेल दोस्तों आपको क्या लगता है कि नील भट्ट के ग्रैंड फिनाले में पहुँचेंगे, क्या ऐश्वर्या शर्मा ने जो पावर दी है पॉजिटिविटी, क्या वो पावर यहाँ पर नील भट्ट इस्तेमाल करेंगे या फिर नहीं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।